पंच परमेष्ठी की चर्चा अपनी चल रही है। सिद्ध परमेष्ठी की चर्चा कल हमने प्रारंभ की थी। सिद्ध परमेष्ठी बनने के पहले जीव कौन सा परमेष्ठी बनता है? अरिहंत। तो अरिहंत बनने तक की विधि तो सिद्ध बनने के लिए समान, वहां तक की विधि तो अनंत, मतलब सिद्ध बनने के लिए अनंत तक की विधि तो होगी होगी ना, क्योंकि पहले अनंत बनेगा। तो अनंत तक की विधि तो सिद्ध की परिभाषा में शामिल है। सिद्ध बनने की विधि में अनंत बनने की विधि तो आई गई, अब उसके आगे पढ़ रहे हैं कि उसके आगे क्या होता है। तो अनंत बनने के कुछ समय बाद, अब वो कुछ समय कितना हो सकता है? अंतर, कम से कम अंतर मुण, अधिक से अधिक 8 वर्ष अंतर मुण, कम 1 करोड़ प्रिसाइज। तो मोटा मोटा देखो तो 1 करोड़ को क्या, क्योंकि एक वो 1 करोड़ पूर्व के सामने 8 वर्ष क्या चीज है, और 8 वर्ष के सामने अंतर मुहूर्त क्या चीज है। लेकिन जब एकदम प्रिसाइज चीज चलती है तो फिर तो वो एक अंतर मुहूर्त भी काउंटिंग आएगा, 8 वर्ष भी आएंगे। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम 1 करोड़ पूर्व, वैसे तो एक अंतर मुहूर्त के लिए 2 अंतर मुहूर्त कम करने पड़ेंगे, क्योंकि सिद्ध बनने के पहले ये जो विधि है ना, क्या तो वो एक ही अंतर मुहूर्त कम होगा, 2 नहीं होगी। तो वो अंत में योग निरोध होता है, फिर सिद्ध बनते हैं। लेकिन वो योग निरोध का काल भी जो है वो अनंत अवस्था का ही काल है, इसलिए 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम 1 करोड़ पूर्व काल तक क्या करते हैं, उसके बाद इतने समय बाद 4 आघाती कर्मों का भी क्षय करते हैं। कौन कौन से वो 4 आघाती कर्म? वेदनी, आयु, काम क्या है इनका? वेदनी कर्म का काम क्या है? साता साता तो वेद, जो जीवों को सुखकारी और दुखकारी संयोग की प्राप्ति कराए। क्या कहा? जो जीव को सुखकारी और दुखकारी संयोगों की प्राप्ति कराए उसका नाम क्या है? वेदनी कर्म। जैसे इसकी परिभाषा ये दी, जो जीवों को सुख दुख की प्राप्ति करावे, लेकिन वो वास्तव में स्वयं सुख दुख की प्राप्ति नहीं कराता, सुख दुख की प्राप्ति कराने वाले संयोगों की प्राप्ति कराता। वो क्या हुआ? वेदनी। सुखकारी संयोग, दुखकारी संयोग, पत्नी पुण्य के उदय से मिलती है, साता वेदनी के उदय से, क्या साता वेदनी के उदय से? असाता है नहीं इसलिए बोल रहे हैं। साता की वजह से या साता की वजह से? हाँ, अच्छी हो तो साता की वजह से, बुरी हो तो साता की वजह से। अब वास्तव में अच्छी बुरी क्या हो, तो दिन भर में 10 बार अच्छी हो 10 बार बुरी हो। संयोग भी मोटे रूप में कहा जाता है, हम जैसा अनुभव करते हैं वैसा उस सामग्री के ऊपर आरोप आता है। कोई सामग्री अपने आप में सुखकारी और दुखकारी नहीं है, जिसके ऊपर लेबल दे दें कि ये सुखकारी ये दुखकारी। साता वेदनी की वजह से पत्नी मिलेगी, असाता की वजह से नहीं मिलेगी, नहीं कह सकते आप। सामग्री तो वही की वही है, साता का उदय आता है सुखकारी लगती है, असाता का उदय आता है दुखकारी। क्या वही सामग्री होती है? हर अंतर व्रत में अपने परिणामों के हिसाब से वो वैसा फल दे देती है। जो सुख दुख संयोगों की प्राप्ति कराए वे स्थूल है, जो अपने परिणामों में सुख दुख का वेदन कराए उसका नाम है साता असाता वेदनी, ये वेदनी कर्म हो गया। आया समझ में? और आयु, जो जीव को शरीर में रोके रखे, क्या करें, जो जीव को शरीर में रोके रखे उसका नाम है आयु का। आयु कर्म का फंक्शन है, कार्य वो जीव को शरीर में रोके रखता है, जब तक आयु पूरी नहीं होगी वो शरीर से बाहर नहीं निकल सकता, ऊपर से कूद जाए इसे झेलने वाले नहीं, हाथ पर टूट जाए कुछ नहीं हो। आयु पूरी नहीं हुई
जब तक वो आयु पूरी नहीं होगी तब तक वो शरीर में रुका रहेगा, जब आयु पूरी हो जाएगी तो वो शरीर में एक सेकंड रह नहीं सकता, वो उसको शरीर से जाना पड़ेगा। जैसे लोग होते ना, लोग पढ़ते हैं बारह भावना के अंदर, राजा राणा छत्रपति हाथ इनके असवार मरना सबको एक, तो ऐसी आंखों में आंसू आते लोग मरना सबको एक। लेकिन इसका सही अर्थ अपन नहीं समझते, इसके आगे का पंक्ति तो पढ़ो, यही क्यों रोने लग गए, अपनी अपनी बार। क्या अर्थ है इसका अपनी अपनी बार? जब अपनी बार आएगी तब, तो ये पंक्ति अपने को जिंदगी की गारंटी देने वाली है कि अपने को अपनी मृत्यु कराने वाली लाइन है। अपनी मृत्यु की बात कहती है, तो ये कहते हैं कि जब तुम्हारी बार आएगी तभी तुम मरोगे, उसके पहले नहीं मरोगे। अपनी अपनी बार, जब जब अपनी अपनी बार आएगी, अपनी अपनी बारी आएगी तब मरोगे, तो इसमें क्या अन्याय है? जब बारी आएगी तब तो मरना ही पड़ेगा ना। लेकिन आदमी बहुत बेईमान है, वो सोचता है मेरी बारी भी आ जाए और मैं फिर भी नहीं मरूंगा। क्या जैसे अपन ने रिटायरमेंट की एज फिक्स कर दी, 60 साल बाद रिटायरमेंट हो जाएगा, आदमी क्या करता है फिर उसके बाद 2 साल और एक्सटेंड हो जाए, 2 और हो जाए। अरे भाई तेरे को 60 साल तक की पूरी गारंटी दे दी कि 60 साल के पहले कोई तेरे को नौकरी से नहीं निकाल सकता, लेकिन ये वहीं तक ही नहीं कहता, नहीं साहब 60 साल तक तो ठीक है वो तो है ही, अब आप इसके बाद 2 साल और एग्रीमेंट आगे बढ़ा दो, 2 साल और आगे बढ़ा। तो कहते हैं कि देखो ये न्याय की बात नहीं है, तुमको जब तक काम करने के लिए दिया समय दिया, अब तुम जाओ तो दूसरा कोई आ पाएगा, और तुम ही काम करते रहोगे तो दूसरा आएगा कैसे बेचारा, ये तुमको हमने नौकरी से नहीं निकाला तो दूसरे को रख नहीं सकते, दूसरे को प्रमोशन नहीं दे सकते, पूरे डिपार्टमेंट में हर आदमी 2-2 साल लेट होएगा, और वहाँ तक फर्क पड़ेगा कहाँ तक, नए आदमी की नौकरी नहीं लगेगी 2 साल बाद लगेगी, होगा कि नहीं होगा। तो तुम इसमें ईमानदारी से काम करो, जब बारी आ गई छोड़ो, जब तक बारी नहीं आई तब तक अपने को पूरी सेफ्टी है कि अपने कोई जाना नहीं, अपनी मार आएगी तब मरेगी। तो इसका मतलब तो है कि जब बार नहीं आएगी तब तक कोई अपना बाल बाका नहीं कर सकता। अब बात तो ये है, और ये मरना सबको एक दिन, अरे तो मरना एक दिन है जब तेरी बार आएगी अपनी अपनी बार। ये आयु कर्म का काम है, आपके आपको पूरी दुनिया की ताकत मार नहीं सकती यदि आयु कर्म का उदय आप लेके आए हो। सब चाहे क्या कि ये मर जाए, वो चाहे और 1000 कोशिश भी कर ले, 10-20 सुपारियां भी दे दे, नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। दुनिया में लोग कम तो ही नहीं ऐसे, हर आदमी के इस विश्व में हर आदमी के अनेक शत्रु है, और हिंदुस्तान तो इतना महान देश है कि यहाँ तो किसी को भी मारना पीटना कोई सामान्य बात, तो एक ही आदमी के अनेक लोग ये चाहते हैं कि ये नहीं रहे, लेकिन उनके चाहने से क्या है। ये आयु कर्म का फंक्शन, इसके हाथ में नाम कर्म का क्या काम है, केवल शरीर की रचना करावे, क्या ना काम उसका, जो शरीर की रचना करावे उसका नाम है नाम कर्म। और गोत्र कर्म जो ऊंच नीच कुल में उत्पन्न करावे उसका नाम क्या है, गोत्र कर्म। ये 4 कर्म की परिभाषा याद रखना, सरल सरल है। जो जीवों को सुख दुख की प्राप्ति करावे वेद में, जो जीव को शरीर में रोके रखे, जो जीव को जो शरीर की रचना करे, जो ऊंच नीच कुल में उत्पन्न कराए, 4 उदाहरण इनके लिए। आयु कर्म के लिए क्या उदाहरण है, आपने कभी कांच मंदिर देखा हो तो वहां पे 8 चित्र बने हुए बहुत बड़े हो एक से, यदि अपन मतलब उधर मेन गेट से यदि अपन घुसते हैं तो मेन गेट से घुसते ही अंदर घुसे जिस दरवाजे से अंदर घुसते हैं उस दरवाजे की जो दीवार है वो दीवार पे लगे हुए, तो अपन अंदर घुसो और फिर पलट के देखो तो ऊपर ऐसे 8 चित्र लगे हुए देखने जाके, 8 कर्मों के लिए 8 दृष्टांत रूप में चित्र है, तो उसमें 8 कर्मों के दृष्टांत दिए हुए हैं।
जो गोमठ सर कर्मकांड में दिए दृष्टांत उन्होंने चित्र के रूप में बना रखे, बहुत सुंदर बना रहे, तो उसमें बनाए बताओ किसी को याद है आयु कर्म के लिए क्या दृष्टांत है, आगे वाले पीछे वाले नहीं आगे इधर तक है, किसी को ख्याल? चलो आप सबके लिए प्रश्न, आयु कर्म के लिए दृष्टांत बताइए। लकड़ी के अंदर आदमी का पैर फंसा हो, खोड़ा होता है, खोड़ा है लकड़ी का, खोड़ा होता है, पहले के जमाने में लोगों को उसमें बांध रखा जाता, तो वो खोड़े में यदि पाँव फंसा है तो आदमी जब तक पाँव फंसा है तब तक उसको छोड़ के बाहर नहीं जा सकता। गाय वगैरह के लिए भी गाय को बांध दिया लकड़ी, तो लकड़ी का खोड़ा जब तक बंधा है तब तक वो उस बंधन को छोड़ के नहीं जा सकता। ऐसे जब तक वो शरीर में है, आयु कर्म जब तक उदय है तो वो शरीर को छोड़ नहीं सकता। नाम कर्म के लिए क्या दृष्टांत? चित्रकार नाना प्रकार के चित्र बनाता है, अनेक प्रकार, जैसे चित्रकार अनेक प्रकार के चित्र बनाता है उसी प्रकार नाम कर्म के निमित्त से नाना प्रकार के शरीरों की रचना होती है, लंबा ठिकना मोटा दुबला गोरा काला जैसे भी चित्र कमले अनेक प्रकार चित्रकार के स्थान पर नाम कर्म, नाम कर्म के लिए उदाहरण क्या है? चित्रकार। और गोत्र कर्म, गोत्र कर्म के लिए क्या दृष्टांत दिया? गोत्र कर्म के लिए दृष्टांत दिया है कुम्हार, कुम्हार जैसे छोटे बड़े घड़े बनाता है उसी प्रकार गोत्र कर्म के निमित्त से जीव को छोटे और बड़े कुल में उत्पन्न होता है, छोटे और बड़े कुल की प्राप्ति होती है। कुम्हार होता है ना छोटे घड़े बड़े घड़े, ऐसे छोटे बड़े कुल में उत्पन्न होता है ऊंच नीच कुल में, कुम्हार का उदाहरण है गोत्र कर्म के। अंतिम कौन सा बचा? वेदनी कर्म, वेदनी कर्म के लिए बहुत जोरदार उदाहरण दिया शहद लपेटी तलवार, क्योंकि जो सुख मिल रहा है वो किसका मिल रहा है? शहद, शहद लपेटी हुई तलवार है, शहद लपेटी हुई तलवार अपन चाट रहे हैं कितना मजा आ रहा है, एकदम तीक्ष्ण तलवार की धार है उसके ऊपर शहद लिपटा हुआ है, वो चाटने का सुख, एक तो शहद, शहद माने मधुमक्खियों का मलमूत्र, मधुमक्खियों के अंडे, उनकी झूठन, उनकी सारी गंदगी, और उसको चाट रहे हैं और चाटते चाटते जीवान कट रही है, खूनम खून हो रहा है और कह रहा है कि मजा आ रहा है, ऐसा है साता वेदनी का सुख, दुख सहित सुख है, कितना बढ़िया उदाहरण दिया उसके। मैंने शहद लपेट, शहद का आनंद और जीवान कटने का दुख, ये साता वाला साता वेदनी, उसके साथ में लगा हुआ है जो जो शहद खाने को मिल रहा है ना, एक तो गंदी चीज है वो, कोई अच्छी चीज नहीं है, साता वेदनी का उदय कोई मैंने कोई स्वाभाविक सुख की प्राप्ति नहीं कराता, वो विकृत सुख है, विकारी सुख है, सांसारिक सुख है, आत्मिक स्वभाव से उत्पन्न नहीं हुआ है, कर्मों का दिया हुआ है, क्या स्वभाव जन्य सुख नहीं, निराकुल सुख नहीं है, कर्म जन्य सुख है, इसलिए उसको शहद वाला, शहद के स्वाद का सुख कहा है, उसके साथ में आकुलता तो बहुत लगी हुई है, जैसे जीवान कटती चाटने के साथ में, तो वो साथ नहीं, तो शहद लपेटी तलवार को चाटने के समान क्या है? वेदनी कर्म, इसे चार उदाहरण गोमट सार कर्मकांड में दिए मूल में, उसके चित्र बना के उन्होंने रखे अच्छे, पेट में शहद नहीं, शहद लपेटी तलवार को खाना वो अलग चीज है, वो डिपार्टमेंट अलग है, अभी डिपार्टमेंट अलग, एक को दूसरे मत जोड़ो, तो संसार वृक्ष ये तो वेदनी कर्म के लिए दृष्टांत, ये चार कर्मों का क्या करते हैं वो अभाव, अब ये चारों आघाती कर्म ये जीव के गुणों का घात नहीं करते, ये तो जीव को संयोगों की प्राप्ति कराते हैं, शरीर में रोके रखते हैं या ऊंच नीच कुल में उत्पन्न कराते हैं, इनसे जीव के गुणों का घात नहीं होता, और यही कारण है कि अनंत भगवान इन चार आघाती कर्मों के साथ भी अनंत सुखी
हो जाते हैं, परम सुखी रहते हैं। चार घाती कर्म है उनकी सत्ता, तो भी उनके सुख में कोई बाधा नहीं, अनंत सुख। लेकिन फिर भी है तो सही ना भाई, जब मूल कई जब घातिया कर्मी चले गए तो अब इनका क्या काम। इसलिए अब शरीर का भी क्या काम, अब इनका भी अभाव तो आवश्यक है पूर्ण शुद्ध अवस्था के लिए, ये भी रखने लायक तो नहीं, इसलिए इनका भी अभाव हो जाता है। शरीर का अभाव हुआ, आयु का अभाव हुआ, नाम गोत्र, नाम का अभाव हुआ, शरीर का अभाव, गोत्र का अभाव, सारे संयोग का अभाव, असंयोगी अवस्था में विराजमान हो गए। इसलिए चार घाती कर्मों के नाश होने पर समस्त अन्य द्रव्य का संबंध छूट जाने पर पूर्ण मुक्त हो गए। समस्त अन्य द्रव्य कौन कौन से बताया था, बनने तीन प्रकार के द्रव्य बताए थे, समस्त द्रव्य कर्म, भाव कर्म, ये तीन कर्म याद रखो। इसमें से कौन कौन से जीव के हैं और कौन कौन से पुद्गल के हैं बताओ, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म, इन तीन में से कौन तो जीव के हैं और कौन पुद्गल के हैं। अकेला भाव कर्म जीव का, द्रव्य कर्म पुद्गल का, नौ कर्म दोनों पुद्गल के, एक दिखता है एक दिखता नहीं, एक सामने दिखता है और एक का फल दिखता है। कौन सा सामने दिखता है, नौ कर्म दिखता है, शरीर दिखता है और द्रव्य कर्म का फल दिखता है, कर्मों का उदय दिखता है। किसी के शरीर में रोग है, किसी का आयु कम मिली है, खोटा कुल मिला है, ज्ञान की हीनता है, तागादी की तीव्रता है, कषाय तीव्र है, सब किसके निमित्त से, पूर्व पार्जित कर्म के निमित्त से। इतनी वैरायटी क्यों मिल रही संसार, सब जो बांधे हैं कर्म नाना प्रकार के, नाना प्रकार के भाव से जो कर्म बांधे हैं तो उनसे नाना प्रकार के फल दिख रहे हैं। तो द्रव्य कर्म का फल दिखता है और भाव और वो नौ कर्म साक्षात दिखाई देता है और भाव कर्म अपने अनुभव का। तो अब सिद्ध परमेष्ठी नौ कर्म माने शरीर और शरीर से संबंध रखने वाले अन्य पदार्थ, द्रव्य कर्म और नौ कर्म, ये दोनों उद्गल है। देखो यहाँ दिए पीछे, एक पीछे ले देखो, आप पीछे आ जाओ, जिनके द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म का अभाव होने से, ये तीन प्रकार के कर्म के दी परिभाषा दी गई। द्रव्य कर्म आत्मा से संबंध, आत्मा से संबद्ध कारमान वर्गणा रूप उद्गल, इसका आत्मा से संबंध माने एक क्षेत्र हुआ रूप, जो आत्मा से एक क्षेत्र हुआ रूप संबंध को प्राप्त है, ऐसी कारमान वर्गणा रूप उद्गल द्रव्य, उद्गल अनेक प्रकार का है, उस उद्गल में जो है कारमान वर्गणाएं होती है, 23 प्रकार की वर्गणा होती है उद्गल की, 23 अलग अलग कैटेगरी वेराइटीज। एक वेराइटी होती है कारमान वर्गणा वाली वेराइटी, वो जो कारमान वर्गणा होती है उसी में कर्म रूप परिणमित होने की शक्ति होती है, मतलब कर्म रूप जो होगा, कर्म जो बनेगा वो कारमान वर्गणा वाली वर्गणा से बनेगा। जब तक वो कारमान वर्गणा है तब तक उद्गल है, जीव के राग द्वेष भाव का निमित्त पाके वो कर्म रूप परिणम जाता है। तो वो जो कारमान वर्गणा जो पुद्गल की वर्गणाओं का एक भेद है, मतलब पुद्गल की 23 वर्गणाओं में जो कारमान वर्गणा है वो कारमान वर्गणा कर्म बनी तो वो पुद्गल की है ना। वो जैसे भाषा वर्गणा शब्द बनती है, आहार वर्गणा से शरीर बनता ही है औदारिक शरीर, जैसे अलग अलग चीजें मनोवर्गणा से मन बनता है, क्या एक और भी बहुत सारी वर्गणा होती है। तो ये संसार में जो कोई टेबल बन रही है, चौकी बन रही है, वो नाना प्रकार की चीजें हैं। तो नाना प्रकार की चीजें, नाना प्रकार की वर्गणाएं हैं, 23 रूप में 23 इनको भागों 23 भेदों में विभाजित किया है। किसको, उद्गल की वर्गणा, वर्गणा मैंने वर्गणा कहते हैं अनंत परमाणुओं का इसका, उसको वर्गणा कहते हैं। ऐसे 23 प्रकार की वर्गणा, उसमें एक अपने काम के भी कारमान वर्गणा है, बाकी अपन जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे 22 और कौन सी। तो जो कारमान वर्गणा है वो कारमान वर्गणा में कर्मरूप परिणमित होने की शक्ति होती है। कब होती है वो कर्मरूप,
जीव के मोराग द्वेष भाव का निमित्त पाक। जीव ने मोराग द्वेष भाव किए वो कालमान मरना जो भी पुद्गल थी अब वो क्या हुई कर्म रूप। अभी भी कर्म रूप में ही पुद्गल ही है लेकिन पहले प्योर पुद्गल ही थी, अब वो जीव के साथ में क्या हो गई एक क्षेत्र हुआ संबंध रूप में कर्मत्व पने को प्राप्त हो। कर्मत्व पने को प्राप्त होकर भी पुद्गल ही है लेकिन पहले वो कालमान मरना जब तक मोराग द्वेष भाव नहीं किए थे जीव ने तब तक वो कर्म रूप नहीं थी और अब मोराग द्वेष भाव का निमित्त पाकर वो क्या हुई कर्मत्व रूप पड़ा कर्म पर आ गया उसमें। आई बात समझ में? तो ये है द्रव्य कर्म, ये जो अपन कहते हैं ना आठों कर्म ये सब द्रव्य कर्म ही है, ज्ञानावरण अष्टकर्म विध्वंस नाय धूपम। तो आठ कर्म जो अपन नाश करने की भावना भा रहे हैं वो आठ कर्म द्रव्य कर्म, ज्ञानावरण आदि जो आठ कर्मों की जो जिनागम में चर्चा है वो द्रव्य कर्म, और ये जो भाव कर्म है ये जीव के मोह राग द्वेष भाव है जिसके निमित्त से वो द्रव्य कर्म बंधते हैं क्योंकि वो तो पुद्गल है ना। अब वो आई क्यों साहब? आई इसलिए क्योंकि हमने मोह राग द्वेष भाव के अपराध की इसलिए आए। कर्म बंधा क्यों? अपराध किया बंधा, जैसा अपराध किया वैसा बंधा। अपराध क्या है? मोह राग द्वेष का भाव अपराध, उसके निमित्त से कर्म बंधते हैं। तो भाव कर्म। और तीसरा क्या है? नो कर्म। नो कर्म माने जो शरीर मिला है जो अघाती कर्मों का जो फल है शरीर वगैरह वो नो कर्म। आपको और मोटे मोटे रूप में याद रखना हो ये ध्यान रखना। द्रव्य कर्म दो प्रकार के हैं, कौन कौन से द्रव्य कर्म? कितने प्रकार के हैं? दो है ना, द्रव्य कर्म आठ है, आठ को दो भागों में बांट सकते हैं। तो घातिया कर्म में जो मोहनी है तो मोहनी का जो फल है वो है भाव कर्म और अघातिया कर्म का जो फल है वो नो कर्म। फिर बोलता हूँ घातिया कर्मों का फल, घातिया कर्मों में मोहनी कर्म का फल, मोहनी कर्म, मोहनी कर्म का फल जो जीव में आता है मोह राग द्वेष भाव रूप में उसको कहते हैं भाव कर्म, और अघातीय कर्म के फल रूप जो शरीर आदि शरीर में मिलते हैं उसे कहते हैं नो कर्म। एक ही यदि आपने याद रख लिया ना एक द्रव्य कर्म भी तो आपको सब मिल जाएगा उसके लिए, क्योंकि द्रव्य कर्म में घातिया कर्मों का जो फल है, घातिया कर्म में जो मोहनी कर्म का फल वही मोह राग द्वेष भाव भाव कर्म, और जो अघातिया कर्मों का फल है वो नो कर्म। आई बात समझ में? सारे नो कर्म सब शरीर से ही संबंधित है, फल अलग चीज है बंद अलग, बंद नवीन होता है फल पुराना आता, बंद ना तो नवा नया काम होता है ना, बीज लगाया तो वो तो नया फल देगा, अभी जो अपन फल खा रहे हैं वो तो पुराना जिसने लगाया था उसका फल खा रहे हैं। उदय, उदय माने पुराने कर्म का फल भोगना और बंद माने नवीन कर्म बांधना जिसका कि आगे हम उदय प्राप्त करेंगे भोगेंगे इस बात। आई समझ में? आगे जिसको भोगते हैं वो नवीन बंद है और जो उदय में आ रहा है वो पुराना आ रहा है। साइकिल चलती है सब पुराना है, फिर बासी खा रहे हैं अपन सब, नवीन कुछ नहीं खा रहे। नवीन कभी अपन ने चालू की थोड़ी बहुत कमाई ये सब बासी बासी खा। ठीक है देखो, और भाव कर्म की परिभाषा क्या थी? मोह राग द्वेष रूपी विकारी भाव, विकारी जीव के विकारी भाव, मोह राग द्वेष रूपी जो भाव है विकारी भाव का, और नो कर्म शरीर और उससे संबंधित है ना, ये तीन कर्म का भाव हो गया। किन के हरण हो गए सिद्ध हो गए समस्त आत्मिक गुण प्रकट हो गए फिर पहले चलते हैं। ये तीन कर्मों का अभाव हो गया, द्रव्य कर्म नो कर्म भाव कर्म का अभाव होने से समस्त आत्मिक गुण प्रकट हो गए, सारे आत्मिक गुण प्रकट हो गए, पूर्ण शुद्धात्मा प्रकट हो गया, पूर्ण शुद्धता प्रकट हो गई, बची नहीं अशुद्धता नाम की कोई चीज नहीं, एक लेश मात्र भी अशुद्धता है। सिद्ध माने पूर्ण शुद्धात्मा, तो सारे आत्मिक गुण जितने थे अनंत गुण वो सब प्रकट हो गए, कोई गुण बचा नहीं। जो चार अघाती कर्म थे उनका भी अभाव हो गया तो और गुण प्रकट हो गए, चार अघाती कर्मों के अभाव से और चार प्रकट हो गए,
कौन कौन से, तो उनके नाम दिए देखो, एक जिस किसके अभाव से क्या प्रकट होता है। जैसे वेदनी, वेदनी का अभाव हुआ तो क्या प्रकट हुआ, देखो वही देखो, पीछे की बात बाद में ले लेंगे। वेदनी कर्म के अभाव से क्या प्रकट हुआ, अव्यबाधत्व। क्या प्रकट हुआ, अव्यबाधत्व। क्या ही अव्यबाधत्व। एक तो ये जो नाम है सिद्धों के आठ गुण के नाम, ये लोगों को याद नहीं होते एकदम, अव्यबाधत्व मैंने बाधा नहीं होता, अव्या वह आधा है, इसमें गलत छपाए, इसमें गलत छपाया, वो वह आधा है। अव्यबाधत्व, अव्यबाधत्व का अर्थ है किसी प्रकार की बाधा नहीं होना। जब शरीर का भी अभाव हो गया, बीज भी जल गया, अब कभी अनंत काल तक उनके किसी प्रकार से सुख में बाधा नहीं आएगी। वेदनी जो सुख दुख का कारण था, वेदनी का चला, अब उनके सुख में कोई बाधा नहीं, अनंत 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 सुख को शाश्वत भोगते रहेंगे, अनंत काल तक भोगते। जो सिद्ध भगवान के पंक्तियां थी छड़ा रही है, अनंतानंत काल यथा तथा शिव परिणय। जैसे एक बार मोक्ष परिणम गए अब वैसे के वैसे में अनंत काल तक रहेंगे, यथा तथा जैसे परिणमे हैं वैसे के वैसे अनंत काल तक रहेंगे, उनके सुख में कोई बाधा नहीं आएगी, कुछ बाधा नहीं आएगी। अव्यवाद बना प्रकट हो गया, क्योंकि वेदनी कर्म था तो वो सुख दुख की प्राप्ति करा था, सुख में बाधा उत्पन्न करता था। यद्यपि वैसे तो उनके कहने का है वो, क्योंकि वेदनी कर्म जो है मुनि के साथ अपना फल देता है, मुनि चला गया तो अनंत सुख प्रकट हुआ, लेकिन फिर भी जो उपकरण बच गए थोड़े बहुत, वेदनी जो मुनि के साथ फल देता था उसको भी नाश कर दिया। अब किसी प्रकार का कोई अब चांस ही नहीं बचा कि अब किसी प्रकार से भी उनको कोई अनंत काल में किसी सुख में बाधा है, इसलिए अव्यबाधत्व गुण नाम का, अव्यबाधत्व नाम का गुण प्रकट हुआ। आगे आयु, आयु कर्म के निमित्त से क्या होता है कि जीव शरीर में रुका रहता है, रुका नहीं शरीर, जितनी आयु मिली उतने टाइम तक रुके रहेंगे अपन, तो अपन जब तक रुके रहेंगे तब तक अपन इस शरीर में दूसरे को नहीं रुकने देंगे, अपन रुके अभी तो एक शरीर में, मतलब एक स्थान में दूसरे जीव को यहाँ प्रवेश नहीं करने दे सकते ना, जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ कोई दूसरा आके बैठ सकता है, नहीं बैठ सकता। लेकिन यदि ये शरीर नहीं होता, आत्मा होती, तो जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ और दूसरा आ सकता है कि नहीं आ सकता, एक दो तीन आ जाए, चार आ जाए, पाँच आ जाए, अरे अनंत आ जाए, अनंत आ जाए, कोई बाधा नहीं। क्यों? क्योंकि शरीर जो था वो एक दूसरे को अवमान देने में बाधा उत्पन्न करता था। अब शरीर का अभाव हो गया तो अमूर्तिक जीव को एक दूसरे में बाधा, एक दूसरे में स्थान अवकाश देने में कोई तकलीफ नहीं। अमूर्तिक जो चीज है, अमूर्तिक तो एक में अनंतों को समाहित कर सकती है, क्योंकि तो मूर्त बना एक दूसरे को रोकता है, स्पर्श स्पर्श को रोकेगा, या स्पर्श है ही नहीं और रुकने में क्या सवाल है। मूर्तिक पुद्गल का, मूर्तिक पुद्गल से रुका, मतलब उसका जो है बाधा पहुंचती है, उससे रुकता है, एक दूसरे को रोकते हैं, मूर्ति पुद्गल दूसरे को रोकता है और रुकता है। जो मूर्त पुद्गल नहीं है, यानी जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है, वो न रुकता है न रोकता है, इसलिए एक सिद्ध में अनंत सिद्ध विराजमान होता है। सबकी सत्ता अलग अलग होती है, लेकिन एक में दूसरा मिलता नहीं, चलो अब इसका भी सुख आ गया तो अपने डबल हो गया, एक और आ गया तो तिबल, और एक और आ गया इसका भी सुख, उसे वहीं के वहीं ना, जैसे शक्कर और डाल दो और मीठा, और डाल दो और मीठा, और डाल दो और मीठा, ये शक्कर है क्या वो? ऐसे दो उधार देते हैं शक्कर, जैसे डलती ना, एक दिए में अनेक दिए मिल जाते हैं, नहीं दिए हैं ना, शक्कर है ना कुछ है, ये तो वास्तव में एक एक की सत्ता बिल्कुल भिन्न भिन्न रहती है, अलग एक भी हो एक सा आकार भी हो कोई दिक्कत नहीं, इतना बड़ा जैसे आकार तो रहेगा, एक आकार के अंदर जैसे बड़े आकार उसमें छोटे बहुत आ जाएंगे, अनेक आ जाए, बड़े में उतने बड़े वाले भी आ जाएंगे, कोई दिक्कत क्या। तो इसलिए वो तो एक में अनंत मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अनंत काल तक होते रहे,
एक से आकार से भी अनंत चले जाते हैं, एक से आकार, आकार तो असंख्यात ही बनेंगे, जीव अनंत है तो फिर एक एक आकार में अनंत बनाने पड़ेंगे, संख्या अनंत है, अक्षय अनंत है, तो एक एक सिद्ध में अनंत सिद्ध निवास करते हैं, उसको कहते हैं अवगाहनत्व, माने वो अवगाहन देते हैं, अपने में स्थान देते हैं, दूसरे को रोकते नहीं कि कौन से कर्म के भाव से हुए, आयु अवगाहन। तीसरा है सूक्ष्मत्व, ये नाम कर्म के अभाव से प्रकट होता है, नाम कर्म का काम है जीव के स्थूल शरीर की प्राप्ति करना, जो शरीर मिला अपने को कैसा है स्थूल, पकड़ में जाना जीव एकदम पकड़ना होता है किसी को पकड़ना, उसको दुख पहुंचाना है तो उसको दुख पहुंचता है, स्थूल है ना, और अब ये शरीर का अभाव हो गया तो सूक्ष्मत्व गुण प्रकट हुआ, अमूर्तिकपना प्रकट हुआ, सूक्ष्मत्वपना प्रकट हो गया, क्योंकि अमूर्तिकता सूक्ष्मपना है, मूर्त शरीर है वो स्थूल है, तो जब मूर्त शरीर का अभाव हो गया तो सूक्ष्मत्वपना प्रकट हो गया, एक गुण हो रही हो सूक्ष्म। और गोत्र कर्म, तो गोत्र कर्म का काम क्या है, ऊंच और नीच कुल की प्राप्ति कराना, तो ऊंचा माने गुरु कहते ना, गुरु गुरु माने बड़ा आदमी, बहुत गुरु है ये, बड़ा है, लघु छोटा है, तो न वे अब ऊंच गोत्र रहा उनका ना नीच गोत्र रहा, न वे गुरु है न वे लघु है, इसलिए कौन सा गुण प्रकट हुआ, अगुरु लघु है, वो अगुरु लघु तो अलग था और ये अगुरु लघु तो अलग है, उसने उन्होंने प्रश्न किया था ध्यान रखा पाई नहीं आज के रोज चढ़ा लगा नहीं तो परीक्षा के लिए जरूर, तो अगुण लघु तो गुण अलग है, उन्होंने प्रश्न अच्छा किया था इसे कि वो अगुण लघुत्व गुण जो है सिद्धों में पाया जाता है और आप छह द्रव्यों में सामान्य गुण भी कह रहे हो अगुण लघुत्व, तो वो दोनों एक सी कैसे बात हो जाएगी, तो वो दोनों नाम एक है लेकिन दोनों के काम अलग है, ये सिद्धों का अगुण लघुत्व गुण है और छह द्रव्यों का सामान्य गुण अगुण लघुत्व है, और वो जो अगुण लघुत्व था वो उद्गल में भी है, ये जो अगुण लघुत्व है ये जीव में भी क्या केवल सिद्धों में, इसलिए थोड़ा सा तो जो है शब्द कहाँ कौन सा उपयोग क्या समझना हो देखना होगा, ठीक है, ये हो गए आठ कर्मों के अभाव से आठ गुण हो गए, ये आठ गुण इनके नाम भी दिए ऊपर, चार अनंत चतुष्टय और चार ये बात, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, ये तो अनंत अवस्था में जो प्रकट हुए थे ये तो कायम ही रहेंगे, ये कहीं इनका कोई अभाव नहीं होगा, ये चार गुण तो आगे सिद्ध अवस्था में भी रहेंगे, और इन चार के अलावा चार अघाती कर्मों के अभाव से चार अन्य गुण और प्रकट हो गए, ऐसे कुल मिला के कितने हो गए आठ, ठीक है, अब वो कहाँ जाएंगे देखो, वो रहेंगे कहाँ, कहाँ रहेंगे वो सिद्ध भगवान, यहाँ तो दिखते नहीं कहाँ रहते हैं, क्योंकि लोक के अग्रभाग में कहाँ रहेंगे, लोक के ऊपर अग्र माने बिल्कुल अग्र, अग्र माने सबसे आगे आगे, लोक के अंत में, लोक के सबसे ऊपर ही ऊपर, जैसे अपने मस्तक है मस्तक का ऊपर, जैसे सबसे लोक के ऊपर ही ऊपर, आठवीं पृथ्वी के बीचों बीच सिद्ध शिला से ठीक ऊपर, तनुवात वाले में मनुष्य लोक के ठीक ऊपर, नक्शा बनाया बताया था ना मैंने पूरा, देखो मनुष्य लोग 45 लाख योजन का है, 45 लाख योजन के ऊपर ठीक ठीक 45 लाख योजन के ही आकार की एक 45 लाख योजन की सिद्ध शिला है, मतलब जितना बड़ा मनुष्य लोग है उतनी बड़ा उतनी बड़ी ऊपर क्या है सिद्ध शिला, और उस सिद्ध शिला पे भी नहीं रहते, उस सिद्ध शिला के भी ऊपर तनुवात वाले है वहां वो विराजमान हो जाए, आकार तो रहेगा, आकार के बिना तो कोई भी द्रव्य हो ही नहीं सकता, आकार तो है सिद्ध होने के अंतिम शरीर आकार, अभी अपन आएंगे इसमें जो अंतिम शरीर रहता है अनंत का अंतिम शरीर का आकार, उसी आकार से वो सिद्ध अवस्था में विराजमान होते हैं, क्योंकि बिना आकार के तो कोई चीज हो ही नहीं सकती, जिसका आकार नहीं है वस्तु ही नहीं, आप बिना आकार के वस्तु की कल्पना करो,
नहीं दिखे अमूर्त दिखे ना, अमूर्ति के पुद्गल का आकार दिखता है और अमूर्ति का आकार दिखता नहीं है, लेकिन आकार तो उसका भी है, आकार अमूर्ति के पर आकार, आकार दिखता नहीं है, आकार अवश्य है और मूर्ति का आकार दिखता है, आकार तो सबका ही है। तनु वात वाले ये तीन वात वाले होते हैं, ये मतलब ये क्या है कि पूरे इस लोक को तीन मोटी मोटी वायु ने कवर कर रखा, जैसे अपने शरीर को चारों तरफ से चमड़ियों ने कवर कर रखा, ऐसे पूरे लोक को तीन वायु ने कवर सपोर्ट दे रखा, तीन मोटी मोटी वायु है। तो तनुवात, तनु माने होता है पतली, वात माने वायु और वलय माने वातावरण, पतली वायु का वातावरण है सबसे लास्ट, माने फर्स्ट लेयर जो है इस लोक के ऊपर वो पतली वायु, उसके बाद अंदर जो लेयर है वो तनुवात वलय के बाद घनवात वलय की मोटी वायु है, और फिर और अंदर जो वायु है जल मिश्रित वायु है घनोदधि वात वलय, 20,000 योजन मोटी वायु है ये सब। तो ये वायु का पूरा, वायु ने पूरे इस तीनों लोक के चारों तरफ है, मतलब वो वायु इन तीन वात वलय ने पूरे लोक को घेर रखा है चारों तरफ से, तो ऊपर ही ऊपर भी है ना, चारों तरफ से घेर रखा तो ऊपर भी तो रहेगी, तो ऊपर वो जो वात वलय है वो ही लोक का तो वहाँ रहेगा, पृथ्वी नीचे रहती थोड़ी, लेकिन उस पृथ्वी के ऊपर जो वात वलय का हिस्सा है वहाँ वो विराजमान होता है। तीन लोक में दिखा ना सही देखो क्या है, लोकाकाश के अंदर जैसे सर्वार्थ सिद्धि, देवों का आखिरी स्थान है सर्वार्थ सिद्धि, सर्वार्थ सिद्धि के विमान से 12 योजन ऊपर जाने पर 8वीं पृथ्वी है, वो 8वीं पृथ्वी 8 योजन मोटी है, वो 8 योजन मोटी है, उसकी मोटाई 8 योजन, और उस पृथ्वी के ऊपर तीन वात वलय है, तो पहले वात वलय में नहीं बसते वो, दूसरे में भी नहीं, जो लास्ट वाला वात वलय है उसमें वो सिद्ध भगवान बसते। अभी आपको चित्र भी ना समझ में नहीं आएगा, आप तो समझ लो लोग के अभिभाग में बसते हो, ज्यादा ये वलय वलय छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है। क्या बेचते, अरे आकाश में तो 14 इंद्र के में ही नहीं जा सकते, ये 16 स्वर्ग आएंगे, 9 ग्रेवेक है, 9 अनुदिश है, 5 अनुत्तर है, 7 राजू ऊपर है, यहाँ से एक राजू भी नहीं जा सकते कोई, ये तो यही ये चीज ही नहीं है, ये तो बहुत ऊपर है, बहुत ये तो 16 पूरा स्वर्गों के ऊपर है ये भैया, ये तो बहुत ऊपर है, असंख्यात योजन ऊपर है, सूर्य चंद्रमा है ना जहाँ तक, ये तो केवल 900 योजन 690 से लेके और 800 योजन 900 योजन तक कंप्लीट हो जाते हैं, 690 चालू करो, 690 790 कितने उतने से चालू करके और 210 योजन के मोटे मतलब 1000 योजन 900 योजन तक सब समाप्त फिनिश काम, कोई विमान नहीं ज्योतिषियों का 900 योजन के ऊपर, और ये 900 योजन के ऊपर फिर 99,100 योजन और ऊपर जाएंगे तो सुमेरु पर्वत एंड होएगा, और फिर सुमेरु पर्वत के ऊपर से 14 इंद्र के विमान चालू होंगे, तो 1.5 राज्य में उनके विमान है, और फिर 1.5 राज्य में सनत कुमार महेंद्र के, और फिर आधे आधे में मतलब तो बहुत बड़ा स्वर्ग है वो, सब चित्र में दिखाया है, और डीवीडी किस किसने देखी, तीन लोग की हाथ खड़ा करते हैं, देखिए है? थोड़ी थोड़ी देखिए, वो खैर वो ले लेके रख ली होगी घर में सब, आखिरी पार्ट नहीं चला थी, डिस्क्राइब भी तो करना, डिस्क्राइब किया था पूरा, दस अच्छा जिसको चाहिए वो ले लेना, वो देख के बैठ के देखना, अभी यहाँ पे पूरी तीन लोग नहीं बता सकता, जिसको डीवीडी चाहिए वो ले लेना। तो वो लोक का अग्रभाग है, मतलब इतना ही समझ लो तो कि लोक के अग्रभाग में जाके विराजमान हो जाते, और कैसे रहते हैं देखो,
किंचित न्यून पुरुषाकार। किंचित न्यून पुरुषाकार का अर्थ है एक तो पुरुष के आकार में मोक्ष जाएंगे पुरुष ही जाएंगे पुरुषाकार, और किंचित न्यून, किंचित न्यून माने जैसे अंतिम जो शरीर रहा तो उसे कुछ न्यून होता है, कुछ न्यून ऐसा जैसे अंदर जो पोल है पेट के अंदर, तो वहां तो कोई आत्मा के प्रदेश है नहीं, तो वो आत्मा के प्रदेश नहीं है, लेकिन वो तो शरीर वो तो ठोस हो जाएगा ना, तो वो जो जितनी पोल है उसको कवर करेंगे तो थोड़ी सी कमी हो जाएगी, जो अपना पूरा शेप है तो थोड़ी थोड़ी कमी हो जाएगी, जैसे जहाँ जहाँ अपने प्रदेश नहीं है आत्मा के, बालों में नहीं है, नाखून में नहीं है, कम हो जाएंगे, तो वो कम कर दो, जहाँ जहाँ आत्मा के प्रदेश नहीं है उतने क्षेत्र को कम कर दो, तो क्या हो जाएगा किंचित न्यून। आई समझ में आ रही नहीं है नहीं भाई, कान है, कान के अंदर जगह है, तो वो कोई ऐसी अंदर वहाँ आत्मा के प्रदेश जगह तो नहीं रहेगी बीच में पोलापन, वो तो पूरा ठोस रहता है अखंड घन, तो घन रहता है तो वो जितनी जगह को कवर करेगा उतनी जगह कम हो जाएगी, तो इसलिए उन्होंने कहा कि अंतिम शरीर से कुछ कम पुरुषाकार रूप विराजमान हो। आकार क्या रहेगा, आकार जो है वो जो भी अंतिम शरीर अंतिम आकार था अनंत भगवान का, अनंत भगवान समझ लो पद्मासन से मोक्ष गया तो पद्मासन का आकार रहेगा, खड़गा हो सके खड़गा जिस आकार से जाए अपने आप होता वो आकार, वो उसके लिए खड़गासन बनाते नहीं है, क्योंकि अनंत भगवान के जो भी कार्य होता है सब बिना इच्छा के होता है, सहज विहार होता है, सहज बैठना सहज होता है, खड़ा होना सहज होता है, तो जो भी उनका अंतिम आकार रहेगा तो उस अंतिम आकार से वो सिद्धालय में विराजमान रहेगा, बस किंचित न्यून रहेगा क्योंकि वो उत्तर है। पद्मासन नहीं बना बनाना, अभी खड़गासन ही लोगों ने बनाई, पद्मासन बना, पद्मासन नहीं बन सकती है, चित्र वगैरह तो देखे पद्मासन का देखे चित्र नहीं देखे पद्मासन चित्र दिखते हैं उसमें ऐसा बनाते पूरा क्यों बना भी ले वैसी मूर्ति उसमें क्या है, वैसे एक्चुअल में ना खड़गासन से ना पद्मासन से सिद्धों की प्रतिमा से कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि अपन जो है प्रतिमा जिसकी बनाते हैं तो उसकी मुख मुद्रा से अपने कुछ भावों में परिवर्तन आना चाहिए, वो पोले बन से क्या परिवर्तन आए, हे ऐसे से हे कहाँ है वो ऊपर ऐसे हैं, अनंत की मुद्रा को देखते तो अपने परिणाम शांत होते हैं, उनकी वीतरागता अपने को दिखती है, उनकी वीतरागता को देखकर अपने परिणाम भी वीतराग में होते हैं, लेकिन उसमें तो कुछ है ही नहीं ना, अपन टीवी में जो चीजें देखते हैं ऐसे देखते हैं क्या आत्मा आत्मा है ना भाई आत्मा क्या देखेगा उसके अंदर आत्मा लड़ रही है, शरीर सही देखते हैं उनके चेहरे देख के अपने एक्सप्रेशन होते हैं, ऐसे भी अपने भाव होते हैं, वो एक्सप्रेशन देख के आदमी के भाव उत्पन्न होते हैं, गुस्सा करता है आत्मा लेकिन फोटो दिखाते हैं आदमी का, वो आत्मा का तो नहीं दिखाएंगे, आत्मा में क्रोध रूप पर्याय हो रही है समझो, वो क्रोध रूप एक्शन दिखाएंगे तो क्रोध समझ में आएगा, क्या क्रोध हो रहा है अपने परिणाम क्रोध रूप हो गए, तो ऐसे वीतरागता दिखाएंगे तो हमको वीतरागता रूप परिणाम होगा, इसलिए ये परंपरा है कि नहीं ये देखना पड़ेगा आगम में ये भी कि नहीं क्या है, ये तो अपने एक प्रतीक रूप में बना देते हैं, क्योंकि मूल प्रतिमा तो अनंत की होती है, इसलिए अनंत अनंत क्योंकि मेन तो वो ही है, ऐसा आपने कोई मंदिर नहीं देखा होगा जहाँ केवल सिद्धों की प्रतिमा हो, लेकिन जहाँ केवल अनंतों की प्रतिमा हो ऐसे मंदिर तो हजारों है, ये सिद्धों की तो बात की लगता है बात की है कि नहीं, मतलब कब चालू हुई क्या है इसकी पद्धति क्या परंपरा है, अनंतों की तो शुरू से कोई भी खुदाई में भी निकल जाएगी अनंत की निकले सिद्धों की नहीं निकलती, क्या इसलिए सब बातें हैं खैर, तो वो अपन प्रतिमा तो अनंत की बनाते हुए अरे ठोस घन हमने अपने देखो क्या है, हाँ उसमें भी वो भी सब ठोस ठोस ही है, सब ठोस मतलब अमूर्तिक का ठोस है, वो मूर्ति वाला ठोस नहीं, ये जो अपना घन है वैसा नहीं, देखो जो चीज अपन समझ रखी है ना उससे आपको अमूर्तिक को समझाया जाता है, क्या करें अपने पास कोई साधन नहीं, घन सब समझते हैं तो घन से अमूर्तिक का भी घन समझा रहे हैं कि अमूर्तिक का घन
अमूर्तिक का है, अमूर्तिक का घन, मूर्तिक का अमूर्तिक, रोकेगा ही नहीं किसी को। एक में अनंत रहे सब आपस में, प्रदेश इकट्ठे, प्रदेश में पोल नहीं है तो इसका मतलब ये तो ही नहीं कि वो जब पोल नहीं, जहाँ पोल नहीं है तो दूसरा कैसे आएगा वहाँ, यही जगह तो कहाँ घुसूंगा, उसको घुसने की जगह ही नहीं चाहिए, वो तो वहीं का वहीं रहेगा। वो जैसा एक रहेगा ऐसा अनंत रहेगा। किंचित न्यून पुरुषाकार में विराजमान हो गए, कुछ कम अंतिम शरीर से, ठीक है, ये हुई अपनी परिभाषा। देखो इसके बाद अपन पूरी परिभाषा एक साथ इकट्ठी पढ़ लेते हैं तो पूरा हो जाएगा। सिद्ध तक अनंत तक की विधि तो वही की हुई है, जो गृहस्थ पना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर निस्वभाव साधन द्वारा चार भक्ति कर्मों का क्षय कर अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए। यहाँ तक तो हो गए अनंत। अब आगे कुछ समय बाद समस्त अन्न द्रव्य का संबंध छूट जाने पर, समस्त अन्न द्रव्य माने शरीर है, द्रव्य कर्म है, इनका भी संबंध छूट जाने, भाव कर्म तो पहले ही चलेगा और अब द्रव्य कर्म भी चलेगा, शरीर भी चलेगा, तो समस्त अन्न द्रव्य का संबंध छूट जाने पर पूर्ण मुक्त हो गए, पूर्ण मुक्त हो गए, मुक्ति का कोई कसर नहीं बचा। अनंत के तो फिर भी चार हत्या कर्म बचे थे, लेकिन यहाँ तो इनके तो सब चले गए, समस्त अन्न द्रव्य का संबंध छूट गया, तो पूर्ण मुक्त को पूर्ण मुक्त हो गए। कहाँ विराजमान हो गए? लोक के अग्रभाग। कैसे? किंचित न्यून पुरुषाकार विराजमान हो गया यहाँ तक। फिर और आगे एक्स्ट्रा बात, जिनके द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म का अभाव होने से समस्त आत्मिक गुण प्रकट हो गए हैं, ये कौन है? बताओ, कोई एकाध जना बोल दो तो छुट्टी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। देख देख के बता दो पहले एक जना, फिर बिना देखे बताओ, देखे कि बिना देखे, बिना देखे बताओ, चलो प्रयास करो। शुरू से शुरू से से इसको सिद्धों की परिभाषा आप सब याद करके आना, कल अपन आगे का विषय करेंगे।